हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज शुरू करते एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 11th एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल के पीछे हुई वो सारी चीजें यहाँ पे स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला, कौन कौन सी थेरीज पहले बनाई गई, उस थेरीज के बेस पे अभी आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो किस तरह से बना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है? आज के लेक्चर में होगा व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफाई ही क्यों करना है, क्यों करना है, ऐसे ही करना है क्या, कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, देन देखेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से लॉज उसके पीछे है। पहले देखेंगे लॉ ऑफ ट्रायड्स जो बनाया था डोब्रेनियर ने, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था क्लासिफिकेशन का, फर्स्ट लॉ। देन देखेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जॉन न्यूलैंड्स इन्होंने ये बनाया था। देन थर्ड लॉ पीरियोडिक लॉ, जिसके बेस पे हम आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है, ये भी लॉ आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट को हमें क्लासिफाई करना है, लेकिन एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम विच ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लिया। इस तरह के एटम्स, जिन एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते, ऐसे एटम्स अगर मिल जाए तो उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। एटम्स पता है आपको, ये होता है ना एटम, हमने देखा है ना ये एटम, राइट, इसके बीच में होते प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और साइड में क्या होते इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, इस तरह के एटम्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है। अब इस एलिमेंट्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं, एलिमेंट्स पता है हमें, हाँ बिल्कुल पता है, कार्बन पता है, हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है, नाइट्रोजन पता है, सोडियम पोटेशियम, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, आपने 10th में 9th में ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा ना, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें। ठीक है, एक्चुअली कितने एलिमेंट्स है अभी, 118 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है अभी तक जिसका रिसर्च हुआ है। ठीक है, अब उस समय में व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफाई ही क्यों करना है, क्यों करना है क्लासिफाई, क्या दिक्कत आ रही है? जब इसको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया ना, तब 1800 सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली 32 एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स थे, सॉरी 31, 1800 सेंचुरी में जब इसको क्लासिफाई करने को स्टार्ट किया तो कुछ 31 एलिमेंट्स थे। अब 1865 आते आते एलिमेंट्स की जो नंबर है वो बढ़कर हो गया 63, मतलब डबल हो गया। ठीक है, अब इस सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना, उनके प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली स्टडी करना, उनके कंपाउंड्स को इंडिविजुअली स्टडी करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या सोचा कि इनको कुछ इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते कि जिससे हम इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी कर पाए, या तो कुछ सिमिलर उनकी प्रॉपर्टीज लगा के, मतलब या तो कुछ ऐसा ट्रेंड उसमें ऐड कर दे, ऐसा ट्रेंड से उनको ऑर्गेनाइज कर दे कि हम उनको स्टडी कर पाए एक साथ ही, उनके एलिमेंट्स को स्टडी कर पाए, उनके कंपाउंड्स को स्टडी कर पाए एक साथ ही। तो यहां से आइडिया आया पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो यहां से आइडिया आया, तो चलिए इसमें थोड़ा सा लिखते हैं कि क्यों, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे हम। इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, थोड़ी दिक्कत थी ना, मुश्किल था ये, ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। सबको इंडिविजुअली स्टडी करना मुश्किल था। टू क्लियर दिस
क्लियर दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च फॉर अ search for a systematic way to organize these elements to organize or to classify kuch bhi le sakte ho to organize these elements ठीक है, इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल को या फिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। ओके, अब इसमें देखते हैं कुछ लॉज, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, उनको क्लासिफाई करने का हमने रीजन देख लिया। अभी जो 1800 सेंचुरी में, अर्ली 1800 में जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया वो थे डोब्रेनियर। ठीक है, उन्होंने निकाला लॉ ऑफ ट्रायड्स। ये जर्मन केमिस्ट थे और यही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आइडिया निकाला कि कुछ ट्रेंड्स एलिमेंट्स में हो सकते हैं, उससे हम स्टडी कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 1829 में कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जिनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर थे, ऐसे कुछ ग्रुप्स बनाए और इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, ये ट्रायड्स मतलब क्या है, थ्री एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाए कि जिनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। ओके, ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, इनको हम ट्रायड्स कहते हैं। इनको उन्होंने क्या कहा, ट्रायड्स। ठीक है, तीन एलिमेंट्स, इसलिए ट्रायड्स। अब इन एलिमेंट्स में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट कौन सा, यहाँ पे देखो ये मिडल कौन सा है, सोडियम है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्टियम है। जो मिडल एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक वेट होता है ये ऊपर वाले दो एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के सम के हाफ। समझ में आ रहा है कुछ, ये जो मिडल का एलिमेंट होता है उसका वेट कितना होता है, अगर हम बाकी के दो एलिमेंट्स का सम करें और उसको हाफ कर दे तो उतना अप्रोक्सीमेटली उतना वेट होता है मिडल एलिमेंट का, ये उन्होंने कहा। ठीक है, और एक बात उन्होंने कही कि जो मिडल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बीच में होती है फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल, ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक साइज किससे कम है, सोडियम से कम है, सोडियम का किससे कम है, पोटेशियम से कम है। मतलब एक ट्रेंड है ना, देखो ये फॉर एग्जांपल ये लिथियम का एटॉमिक साइज है, यहाँ पे ये लिथियम का है, उससे ज्यादा है सोडियम का और उससे ज्यादा है पोटेशियम का। इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज जो है सोडियम का वो लिथियम और पोटेशियम के बीच में है। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ले लो, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह से हम ट्रायड्स बना सकते हैं। अब अगर एटॉमिक वेट का हम देखें तो देखो एटॉमिक वेट में सम उसकी एडिशन करके आपको बताता हूं, ये देखो 7 एंड ये 39, 7 प्लस 39 कितना होता है 46 बाय 2 कितना आया 23, बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23। ओके, अब देखते हैं क्लोरीन एंड आयोडीन का, क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127, इनका अगर सम करें तो कितना आता है, इनका अगर सम करें तो कुछ 162.5 आता है, राइट, 162.5 डिवाइड बाय 2 कर देते इसका आंसर आता है 81.25। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम आया कि नहीं, ये 80 है, अप्रोक्सीमेटली सेम आया। और देखते हैं कैल्शियम का, देखो 40 + 137 कितना होता है, 40 + 137 होता है 177, राइट, 177.2 इज इक्वल टू कितना होता है 88.5, अप्रोक्सीमेटली सेम, यहाँ पे देखो 88। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ट्रायड्स बनाए। इसमें थोड़ा सा लिख लेते लॉ क्या कहता है, इनका लॉ ऑफ ट्रायड्स, इनका लॉ कहता है द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ट्रायड्स
हैविंग एटॉमिक वेट हैविंग एटॉमिक वेट हाफ हाफ देन द सम ऑफ sum of atomic weights of sum of atomic weights of other two elements other two elements दूसरे एलिमेंट से हाफ होता है बीच वाले का मास ठीक है और the properties of the middle elements the properties of the middle elements were in between the were in between the other two elements दोनों एलिमेंट्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होती है ठीक है ओके इतना अच्छा लॉ लॉ था लेकिन इसका एक डिमेरिट भी था डिमेरिट क्या था कि डोब्रेनियर सारे एलिमेंट्स उस समय पे जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उन सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए ठीक है इसलिए इसके लिए इस लॉ को जस्ट एक कोइंसिडेंस समझ के उस समय छोड़ दिया गया ठीक है डिमेरिट्स ऑफ डोब्रेनियर क्लासिफिकेशन क्या था ही कुड नॉट अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है अब नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये जो लॉ ऑफ ट्रायड्स था ये कब आया था 1829 में अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कब आया 1865 में ठीक है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन साइंटिस्ट का नाम है इन्होंने ये लॉ निकाला था अब ये लॉ क्या था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कुछ ऐसा था इसमें उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स की तरह लगाया ठीक है और उनको ये समझ में आया कि अगर हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरह लगाते हैं तो आठवें एलिमेंट का जो मास होता है ना आठवें एलिमेंट का मास फर्स्ट एलिमेंट के जैसे होता है सॉरी मास कह रहा हूं आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के जैसे ही होती है व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स देन एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट आप देख सकते हो उन्होंने कैसे लगाया देखो ये देखो फर्स्ट एलिमेंट है ये जिस तरह से एटॉमिक वेट बढ़ रहा है देखो ठीक है उस तरह से उन्होंने लगाया एटॉमिक वेट के बेस पर फोर्थ यहाँ पे फिफ्थ यहाँ पे सिक्स्थ यहाँ पे सेवेंथ और यहाँ पे लगाया उन्होंने एट्थ ठीक है इस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट कर दी तो उनको क्या मिला कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज और ये जो एट्थ एलिमेंट थी इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर मिली सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज ठीक है सिमिलर प्रॉपर्टीज मिली इनको फर्स्ट और एट्थ की तो इन्होंने क्या किया इन्होंने कैसे टेबल बनाया इन्होंने एक काम किया फिर इन्होंने एक काम किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन ठीक है यहां तक उन्होंने टेबल बनाया और जो एट्थ एलिमेंट था ना उन्होंने यहाँ पे रख दिया एट्थ नाइन्थ देन टेंथ इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है इस तरह से उन्होंने पूरा टेबल बना दिया ठीक है अभी टेबल देखते हैं किस तरह से होता है ये देखो ऐसा टेबल उन्होंने बनाया यहाँ पे क्या है लिथियम देन बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ठीक है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरह उन्होंने लगाया राइट बिल्कुल बात सही है और यहां से सात एलिमेंट इन्होंने टेबल में रखे और आठवां एलिमेंट यहाँ पे रखा नीचे देखो सोडियम ठीक है फिर से उसके आगे सात रखे आठवां एलिमेंट नीचे रखा जो है पोटेशियम ठीक है अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करोगे अभी तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जानते हैं इसलिए हमें ये पता है कि लिथियम के नीचे आता है सोडियम सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम
ठीक है, अगर नहीं भी पता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ओके, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। देन बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। देन कार्बन, सिलिकॉन, इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, ठीक है। मतलब लगभग इनका जो रिसर्च था वो काफी अच्छा था इसके बारे में। अब ये कैसे आया, मतलब ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स आपको एक बात पता है क्या, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक, इन्होंने क्या कहा था कि आठवां जो इलिमेंट है वो पहले इलिमेंट की जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है। आपको एक बात पता है क्या, सप्त सुर, गाने में कितने सुर होते हैं, कहीं पे भी जाओ कितने सुर होते हैं, सात सुर होते हैं, सात, राइट। और जो आठवां सुर होता है ना वो सिमिलर होता है किसके जैसा, फर्स्ट सुर के जैसा, पहले सुर के जैसा होता है, बराबर है कि नहीं, आपको पता है कि ना ये बात। सारे ग म प ध नी सा, ये सा लास्ट वाला जो सा है वो सिमिलर है फर्स्ट के जैसा, ये देखो ये फर्स्ट, और लास्ट एट नंबर का जो सा है, एट नंबर का जो सुर है वो सिमिलर है फर्स्ट के जैसा, इस तरह ये ऑक्टेव्स होते हैं। ओके, इतना समझ में आया। और इनके वर्क के लिए इनको एक मेडल दिया गया जिसको कहते हैं डेवी मेडल, इन 1887 से इनको डेवी मेडल से नवाजा गया बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, एक बहुत बड़ा मेडल है, बहुत बड़ा प्राइड उनके लिए था, ठीक है, बड़े मेडल से उनको नवाजा गया। अब चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं ऑक्टेव्स में, ऑक्टेव्स किस तरह से होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसका लॉ कहता है। When elements arranged in increasing order of their atomic weights, when elements arranged in increasing order of their atomic weights, then energy एनर्जी नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ यार पे, ठीक है रुको, देन एवरी इलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट इलिमेंट, यहाँ पे एवरी है, देन एवरी इलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ओके, इतना लिखा। व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स देन एवरी एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ये था उनका पीरियोडिक टेबल जो हमने नीचे देखा, ठीक है। अब इसमें क्या डिमेरिट्स थे वो देख लेते हैं, डिमेरिट्स ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इसमें डिमेरिट्स ये था कि ये जो लॉ था ये लॉ सिर्फ कम एलिमेंट्स के लिए या फिर लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लॉ किस लिए एप्लीकेबल है, लिथियम से कैल्शियम तक, मतलब अप टू 40 एटॉमिक मास, यहां तक ही वो एप्लीकेबल था, आगे उस वो एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। डिमेरिट्स क्या है, इट वाज एप्लीकेबल टू ओनली लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मासेस अप टू 40 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ओके।
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा लॉ है। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक लॉ स्टडी करने से पहले ये लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि लोथर मेयर का जो ऑब्जर्वेशन था और मेंडेलियव ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। बस लोथर मेयर ने जो है ना वो प्लॉट में दिखाया, और मेंडेलियव जो थे उन्होंने टेबल में वही प्रॉपर्टीज को कंसिडर किया। ओके, और जब तक लोथर मेयर ने टेबल में उसको कंसिडर किया, टेबल में उसको ऐड किया, तब तक मेंडेलियव उसका वर्क पब्लिश हो चुका था और वो काफी पॉपुलर हो गया। ओके, तो पहले देखते हैं लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन क्या था। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स की तरह लगाया, राइट। और उनको कुछ उसमें सिमिलैरिटीज नजर आई, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर और रेगुलर इंटरवल था। ये न्यूलैंड्स को कैसा नजर आया कि आठवां जो एलिमेंट है ये क्या है, आठवां एलिमेंट पहले के जैसा है। इसी तरह से लोथर मेयर को कुछ नजर आया कि कुछ पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लॉट ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसको रखा अगेंस्ट एटॉमिक वेट के, ठीक है। प्लॉट किस तरह से ग्राफ किया, एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनको एटॉमिक वेट के अगेंस्ट रखा। ये देखो ये प्लॉट, यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, एटॉमिक वेट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक वेट्स, और यहाँ पे ऊपर जा रहा है ये एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। जिस तरह से एटॉमिक वेट्स बढ़ रहे हैं उस तरह से वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये उन्होंने दिखाया। तो इससे उनको ये पता चला कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले, यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम देखो ये क्या है, सोडियम, ठीक है, सोडियम टॉप पे है, ठीक है, उसके एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे। फिर उसके बाद ये क्या है, पोटेशियम है, बराबर। उसके बाद क्या है, रूबिडियम, यहाँ पे देखो रूबिडियम, उसके बाद सीजियम, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल में उनको ये चेंजेस देखने को मिले, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये हेलियम का, देखो ये हेलियम, ये नियॉन, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नियॉन, उसके बाद ये देखो अर्गॉन, ठीक है, ये क्रिप्टॉन, एक ज़ेनॉन, ठीक है। तो इनको इनका ऐसा कहना था कि ये जो नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, राइट। ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। और भी आप देख सकते हो इसमें, ये देखो फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है। लेकिन ग्राफ से आप इतना श्योर नहीं बता सकते, ठीक है। इसकी वजह से इनकी जो थ्योरी थी वो समय पे मेंडेलियव की थ्योरी ज्यादा एक्सेप्ट की गई, मेंडेलियव की थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हो पाई, ठीक है, टेबल में थी इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर वहां पे हो पाई। ओके, इसमें भी आप लिख सकते हो थोड़ा लोथर मेयर्स का क्लासिफिकेशन में, अरेंजिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स Arranging elements in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स के बाद उनको
सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनको मिली। ओके अब देखते हैं पीरियोडिक लॉ जिस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, ठीक है, पीरियोडिक लॉ जिसे हम कहते हैं। मेंडेलीव ने भी सेम किया, मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में लगाया, लेकिन उन्होंने एक टेबल में उसको रखा। पहले तो एक पीरियोडिक लॉ देखते हैं, पीरियोडिक लॉ क्या होता है। फर्स्ट टाइम मेंडेलीव इन्होंने ये लॉ बताया था, ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या है पहले ये देख लेते हैं, जो हम आज देखते हैं, आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स The properties of elements are periodic function of their atomic weights. जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है, मतलब पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पे वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। ये है पीरियोडिक लॉ। अभी मेंडेलियम में कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय वो देखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे रखा, एक तो रोज में रखा, ये यहाँ पे इस तरह से रोज, और ये कॉलम्स, ठीक है, सीधा नहीं आ रहा है लेकिन समझ लेना ठीक है। ओके ये रोज और ये कॉलम्स। रोज में उन्होंने कैसे रखा, ये होता है रोज, ठीक है, रोज, रोज में उन्होंने रखा, पेन चेंज करता हूं मैं। ओके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, यहाँ पे क्या है, रोज जैसे जिस तरह से लेफ्ट टू राइट जाता है उस तरह से क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। उस तरह से एटॉमिक वेट बढ़ता है, और जिस तरह से कॉलम में नीचे नीचे जाता है उस तरह से क्या होता है, उससे भी क्या होता है, उससे भी एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, यहां पे लिखता हूं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, नीचे जाता है उस तरह से, इसे हम क्या कहते हैं, यह है हमारा कॉलम, कॉलम या फिर पीरियड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, कॉलम कह सकते हो या फिर पीरियड भी आप इससे इसको कह सकते हो। ओके अब यहां पे उन्होंने क्या किया कि जो कॉलम है ना, कॉलम में उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स रखे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। कॉलम में किस तरह से एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट्स इस कॉलम में, इस कॉलम में ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन सेम कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल उस समय पे बनाया, ठीक है, रोज में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, जिस तरह से कॉलम के नीचे नीचे जाओगे वहां पे भी क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, और कॉलम में क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम कॉलम में, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये पीरियोडिक लॉ या फिर पीरियोडिक टेबल बनाया। और एक ये देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है, ये पीरियोडिक टेबल कुछ उन्होंने इस तरह से बनाया। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स के लिए जगह रखी जो उस समय पे डिस्कवरी नहीं हुए थे, मतलब जिस उस समय पे उन एलिमेंट्स का रिसर्च नहीं होता, वो एलिमेंट्स पता ही नहीं थे, ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने जगह रखी, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और एक बात ऐसी कि उनके लिए जगह रखी प्लस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज उसकी हो सकती है। जनरली जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ना, उसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बताई,
फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर हम ले तो उन्होंने ना उस समय पे यहाँ पे गैप रखा था, आपको दिखाता हूं मैं कहाँ पे, ओके, फ्लोरीन क्लोरीन देन ये बोरॉन एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे ये जो गैलियम है ना अभी आपको दिख रहा है, लेकिन उस समय पे ये पीरियोडिक टेबल में नहीं था मेंडेलियव के, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है इंक चेंज करता मैं, गैलियम और जर्मेनियम ये उस समय पे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे गैप उन्होंने रखा था कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि यहाँ पे वो आएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने पहले ही बता दी, ये प्रॉपर्टीज होंगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जर्मेनियम की ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने क्या लिखा, एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने गैप रखा प्लस, और उसको एक नाम दिया उन्होंने, इसको बोला गया इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम, और ये सिलिकॉन के नीचे था ना गैप, तो इसको बोला गया इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने डिटेक्ट कर दी, मतलब ये जो बात थी ये बहुत पॉपुलर हो गए, और इसकी वजह से जो मेंडेलियव का पीरियोडिक टेबल था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर उस समय पे हुआ, ठीक है। अभी आप ही देखो उन्होंने कैसे किस तरह से ये टेबल बनाया है, ये हमने देखा ना पहले, इसको क्या बोलते हैं ये रो, ठीक है, ये नीचे क्या है ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, देखो ये पूरा क्या है, ये एक कॉलम, राइट। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप को देखने आपको, ये देखो हीलियम, हीलियम देखो, हीलियम नियॉन अर्गोन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन, ये क्या है, ये नोबेल गैसेस है, राइट, इनर्ट गैसेस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम कॉपर रुबिडियम सीजियम, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थे। उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एक कॉलम में यहाँ पे आ गए, ठीक है। और जिस तरह से हम रो से इधर जाएंगे उस तरह से एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, और नीचे जाएंगे तब भी एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, ठीक है। ये था पीरियोडिक लॉ, ठीक है, ओके। अब इसमें इसके भी कुछ डेमिरिट्स हैं, वो डेमिरिट्स क्या होते हैं, उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स को कॉलम में रखना है ना, एक कॉलम में सिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने रखा, तो उस समय उन्होंने एटॉमिक वेट्स को इग्नोर कर दिया। एक्चुअली मैंने पहले क्या कहा था आपको कि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के तौर पे पीरियोडिक टेबल को बनाया, जिस तरह से एटॉमिक वेट बढ़ रहा है उस तरह से उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, देखो हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1, उसके बाद बेरिलियम आया ना, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, इस तरह से उन्होंने लगाया था, राइट, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कई जगह पे उन्होंने क्या कर दिया कि एटॉमिक वेट्स को कंसिडर ना करते हुए बस कॉलम में सिमिलर एलिमेंट आ जाए, इसके लिए एटॉमिक वेट्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब खुद के ही लॉ को थोड़ा सा उन्होंने क्या बोलते कॉन्ट्रेडिक्ट कर दिया खुद के ही लॉ को, ठीक है। ये था उनका डीमेरिट्स। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम ले, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है, आयोडीन यहाँ पे देखो, आयोडीन यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और ये आयोडीन, आयोडीन का वेट कितना है 126.9, यहाँ पे आप देख सकते हो आयोडीन, और टेलुरियम का कितना है 127.6, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले आयोडीन आना चाहिए था कि टेलुरियम, कौन आना चाहिए था, यहाँ पे आप टेलुरियम देख रहे हो 127.6 मास है, इसका मतलब टेलुरियम का एटॉमिक मास ज्यादा है आयोडीन से, स्टिल क्या किया उन्होंने, आयोडीन को आगे रखा और टेलुरियम को पीछे रखा, ठीक है, मतलब खुद के लॉ को उन्होंने थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे कर दिया। ये था डिमेरिट्स, ठीक है, ये था डिमेरिट। ही प्लेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर व्हाइल इग्नोरिंग द एटॉमिक वेट्स, फॉर एग्जांपल आयोडीन 126.9 है, उसको पहले रखा, प्लेस्ड बिफोर टेलुरियम, आयोडीन प्लेस्ड, ये कुछ गलत यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल 126 प्लेस्ड बिफोर टेलुरियम, ऐसा नहीं है, टेलुरियम प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये काट देता हूं मैं, टेलुरियम प्लेस्ड बिफोर
एल्यूमिनियम, ये क्या लिख रहा हूं यार मैं, एल्यूमिनियम कहां से आया बीच में, टेलुरियम प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, आयोडीन ठीक है, टेलुरियम को पहले रखा आयोडीन से, उसका मास ज्यादा है स्टील, ठीक है। ये था डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, आज हमने तीन लॉज को स्टडी किया, थोड़ा रिकैप हो जाए, चलिए थोड़ा सा रिकैप करते, टाइम बचा है ना बहुत आज, ओके। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट, देखा जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, तीन लॉ देखे, एलिमेंट मतलब क्या, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, राइट, ये लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये लॉ ऑफ ट्रायड्स देखा हमने, किसका था, डोब्रिनियर का था ये। उसके बाद क्या देखा हमने, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, ये किसका था, जॉन न्यूलैंड्स का, सारे गामा पद अनिसा, ये आप याद रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखा मेथर्स लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, प्लॉट में उन्होंने बनाया था सेम मेंडेलियो की तरह ही, उनका भी रिजल्ट यहाँ पे आया था, लेकिन मेंडेलियो ने बनाया टेबल में, इन्होंने बनाया प्लॉट में, ठीक है। फिर आता है मेंडेलियो का पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल, जिसके ऊपर आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे खत्म होता है आज का लेक्चर, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके प्रॉपर्टीज, उसके ट्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं हम आज का लेक्चर, थैंक यू।